नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा SCS डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई, इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाइलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आते रहते हैं, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी, स्वागत करता हूँ आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम UPPCS के कुछ साइंस रिलेटेड 100 क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सर्दी के मौसम में ठंड लगने पर कपकपाने के कारण का प्रतिपादन ताप गतिकी का कौन सा नियम है, द्वितीय नियम द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और जब किसी इस्पात के रॉड को गर्म किया जाता है तो वो कैसा हो जाता है, हल्का हो जाता है कि भारी हो जाता है, वो भारी हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स हैं, दोनों को याद रखिएगा। ठीक, सी आंसर है इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, बेरियम मील आहार नाल पेट एवं छोटी आंत में अनियमितताओं की जांच की एक प्रविधि है, जिसमें गामा किरणें चित्रण का प्रयोग करती है। ठीक है, गामा रेज का यूज करके जो है एबनॉर्मेलिटीज हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो उनको देखा जाता है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि गामा किरणों का यूज नहीं होता, उसमें एक्स रेज का यूज होता है। ठीक है, एक्स रेज। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव सिलिकॉन और जर्मेनियम पर अधिक होता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसीलिए सोलर सेल हैं जो वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्रोनोमीटर एक समुद्र में जहाज के देशांतर रेखा का निर्धारण करने वाली घड़ी है। ठीक, सही है। और दूसरा देखिए, व्यूफोर्ड मापक्रम मतलब व्यूफोर्ड स्केल है जो वो हवा की गति को मापने के लिए यूज होता है, ये भी सही है। ठीक है, और तीसरा देखिए, स्फिग्नोमैनोमीटर है जो वो एक उपकरण है जिससे क्या है कि रक्तदाब मापने मतलब ब्लड प्रेशर है जो उसको मापने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये भी सही है, तीनों यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। बैरोमीटर की खोज टॉरिसाली ने की है, सही है। और वहीं दूसरा आपका विद्युत बैटरी ए वोल्टा, ये भी सही। डायनामो की सैमुअल कोल्ट ने नहीं की है, डायनामो की है जो वो की है आपके माइकल फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे, याद रखें। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। और क्लोरीन धातु के इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ठीक, क्लोरीन धातु की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है जो वो सबसे अधिक होती है, ये भी सही है। और वहीं अगर तीसरा स्टेटमेंट देखें, परमाणु का संगठन करने वाले तीन मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, मौलिक कण है तीनों। ठीक, तो ये भी सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मैच द फॉलोइंग है। एकॉस्टिक को आप मैच करिएगा ध्वनि के साथ अध्ययन, कार्डियोलॉजी मैच होगा हृदय तथा उसके संबंधित रोगों का अध्ययन, क्रायोजेनिक्स, क्रायो आ जाए तो मतलब लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन, और इकोलॉजी आपको बताइए पौधों और जंतुओं का वातावरण के साथ उनके साथ संबंध का अध्ययन। ठीक है, तो ये सभी है ना सही मैच्ड है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। वाटर गैस को सफेद तप्त कोक मतलब व्हाइट हॉट कोक पर जब स्टीम है उसको पास करके बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। और अमोनियम गैस को हवा के नीचे की ओर विस्थापन से एकत्र किया जाता है। ठीक, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं, GHGs जितने भी हैं उनके सबके आपको कमेंट्स में नाम लिखने हैं। ठीक है, हाइड्रोजन अक्रिय गैस है, ये वाला स्टेटमेंट है जो वो भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये अक्रिय गैस नहीं है, इनर्ट गैस नहीं है। ठीक है, तो दूसरा देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फ्रेयोन नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो ये सही हो जाएगा। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही होगा, दूसरा गलत होगा, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पोटेशियम परमैंगनेट एक एंटीसेप्टिक है जिसका उपयोग हाथों और पैरों में त्वचा रोगों तथा कवकों के संक्रमण को रोकने के लिए अल्सर के उपचार में किया जाता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है किसका,
पोटेशियम परमैंगनेट, कैसा है? एंटीसेप्टिक है और इसका उपयोग हाथों और पैरों में त्वचा रोगों तथा कवकों के संक्रमण को रोकने के लिए। ठीक है, सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। दूसरा देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग है जो वो रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। ठीक है, ये जो भी है डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसको यूज करते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ सही है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दिया सलाई की नोक में लाल फॉस्फोरस है ना, रेड फॉस्फोरस है जो वो माचिस की तीली पर लगा होता है, बिल्कुल सही है। और गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम भरते हैं, क्यों भरते हैं? क्योंकि हीलियम गैस जो है वो कम्बस्टिबल नहीं होती है, हाइड्रोजन भर देंगे तो वो जल जाएगी, ज्वलनशील गैस है। ठीक है, तो इसलिए हालांकि हाइड्रोजन ज़्यादा हल्की है, ठीक है, लेकिन भरी क्या जाती है? हीलियम। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कपड़े से स्याही और जंग के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है, ऑक्जैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए मोस्टली साइंस में क्या है कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। ठीक है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ एप्लीकेशन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वही UPPCS लेवल पे वही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उनका ध्यान रखिएगा, फैक्ट्स ज़्यादा रहते हैं इसमें। ठीक है, देखिए किडनी स्टोन में कैल्शियम ऑक्सलेट पाया जाता है। ठीक, सही है। और ग्लूकोज हेक्सोस शर्करा का एक प्रकार है, ग्लूकोज को डेक्सटोस या ग्रेप शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डेक्सट्रोस या फिर ग्रेप शुगर के नाम से, किसको? ग्लूकोज को, और इसको हेक्सोस शुगर भी कहा जाता है। ठीक, तो फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, तीनों सही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि का विकार ज्ञात करने के लिए ब्रेन ट्यूमर के उपचार में यूज होता है, बिल्कुल सही है। और यूरेनियम 238 है जो पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों के काल को निर्धारित करने के में यूज होता है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक, और जिप्सम का है जो वो ये होगा CaSO4×2H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4×1/2H2O। ठीक, तो ये वाला है जो, ये दोनों इंटरचेंज हैं आपस में, पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर ओनली वन ए आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, तांबे का शोधन विद्युतन अपघटनी परिष्करण द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट है आपका, ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट, तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जब तीसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये बात तो सही है, लेकिन लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार घट जाता है, ये गलत है। ठीक है, लोहे का भार है जो वो बढ़ जाता है, तो ये वाला गलत हो गया, पहला और दूसरा यहाँ सही है, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अग्निशमन वस्त्र मतलब जो फायर रेजिस्टेंट क्लॉथ्स होते हैं वो एस्बेस्टस के बने होते हैं, सही है। और आपका जो मोनोसाइट है वो थोरियम का एक अयस्क है, ये भी सही है। और म्यूज मेटल है जो वो कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। ठीक, तो ये तीनों फैक्ट्स याद रखिए, ठीक है, तीनों यहाँ पर सही है, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से सीमेंट की उत्कृष्टता है जो वो बढ़ जाती है। ठीक, और सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडन ने 1824 में की थी। ठीक, ये भी सही है। और पोर्टलैंड सीमेंट में 35% फ्लाई ऐश पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में किसका यूज होता है? एल्युमिनियम कार्बाइड का नहीं होता, किसका होता है? बोरोन कार्बाइड का यूज होता है। ठीक, बोरोन कार्बाइड का। और कैलामाइन है जो वो जस्ते का एक अयस्क है, ये सही है। ठीक, और ये वाला इसलिए गलत हो गया, ठीक है, तो दूसरा वाला ये सही है। और तीसरा, बिस्मथ एक प्रति चुंबकीय पदार्थ है, एंटी मैग्नेटिक मटीरियल है क्या बिस्मथ, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत हो जाएगा, बोरोन कार्बाइड होगा। ठीक, अगला देखिए, कुछ ये धातु दिए गए हैं और ये इनके अयस्क दिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये मिलान करना है, तो एल्युमिनियम को आप कोरेंडम के साथ मैच करेंगे, कॉपर को आप कैल्कोसाइट के साथ मैच करेंगे, और सिल्वर को आप जो है वो अर्जेंटाइट के साथ मैच करेंगे, और सीसे को गैलेना के साथ मैच करेंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कोबाल्ट एक चमकीली धातु है, इसकी सहायता से जंग रोधी तथा ऊष्मा प्रतिरोधी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कोबाल्ट के बारे में।
ठीक। और कोबाल्ट का प्रयोग है जो वो स्थायी चुंबक बनाने में भी किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में कोबाल्ट का यूज होता है, ये भी याद रखिएगा। दोनों सही है, सी आंसर है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सोडियम थोड़ी सी नमी से क्रिया करके जलने लगता है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, ठीक सही है। और दूसरा, सोडियम अति नरम होती है तथा इसे चाकू से काटा जा सकता है, ठीक। दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, कुछ मैच करने आपको, ये जीवाणु हैं और ये उनके वाहक हैं, ठीक है, मतलब कैरियर्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ये बैक्टीरिया सारे और ये सब बीमारियां, तो ठीक है गोनेरिया है, देखिए इसे इंग्लिश साइड में मैच करेंगे, ठीक है। इंग्लिश साइड में क्या है, ये नाम से ही पता चला, गोनेरिया है, गोनेरिया इसे मैच हो जाएगा। लेप्रेसी है, ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से मैच होगा। वूपिंग कफ, इसका दूसरा नाम पर्टोसिस भी होता है, ठीक है, तो इसलिए बॉर्डरलेटा पर्टोसिस से हो जाएगा। और प्लेग आपका पेस्टिस से हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा सी, बी ए डी सी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, एरिथ्रोसाइट्स हैं जो वो कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होते हैं, मतलब कि जो ग्रेनुअल लेस WBC हैं वो क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। तो यही गलत हो गया, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स नहीं होते, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, लिम्फोसाइट्स। और ये श्वेत विद्रोह की, मतलब श्वेत विद्रोह का मतलब हुआ यहाँ पर कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं उनमें 20-30% के आसपास पाया जाता है, तो ये वाला पार्ट सही है, लेकिन किसके लिए सही है, लिम्फोसाइट्स के लिए, ठीक सही हो जाएगा, मतलब ये ओवरऑल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और HIV विषाणु लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर देते हैं, ये वाला पार्ट सही है, ठीक। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला देखिए, मैच करना है आपको, ये कुछ फैमिलीज दी हुई हैं और ये उनके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। तो ऑनियन और गार्लिक है, मतलब लहसुन प्याज है जो वो आपका लिलेसिया फैमिली से है। कॉटन ओकरा है जो भिंडी कपास, ये आपका मेलवेसिया फैमिली से है। सनफ्लावर मैरीगोल्ड है जो ये आपका एस्ट्रेसी से है। और बीटल नट पाम है जो वो आपका एरिकेसी से है, ठीक है। तो ये सभी फैमिलीज आपको याद रखना है, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? सिल्वी कल्चर आपका वन संवर्धन, मतलब फॉरेस्ट कल्टीवेशन के लिए है, बिल्कुल सही। उसके बाद इथियोलॉजी है जो मछलियों के अध्ययन के लिए है, और ऑर्थोनिथोलॉजी है वो पक्षियों के अध्ययन के लिए, ठीक है, तीनों सही है, डी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, हीमोसाइनेसिस एक प्रोटीन होता है जिसमें दो ताम्र परमाणु होते हैं जो एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट है। और यह प्रोटीन कुछ कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, मतलब वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। वर्टिब्रेट का मतलब रीढ़ वाले जो जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट देखिए गलत हो जाएगा, क्योंकि हीमोसाइनिन है जो ये आपका एक प्रोटीन है जो कि अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है, नॉन इनवर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर कशेरुकी लिखा हुआ है, इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। तो ये दूसरा गलत हो गया, यह ऑक्सीजन के आवागमन का कार्य करता है, ये वाला आपका सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ सही हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गिरगिट अपनी त्वचा के रंग को परिवेश के रंग के अनुरूप करने के लिए बदलता है, बिल्कुल सही है। और गिरगिट की ऊपरी सतह पर वर्णक उपस्थित होते हैं, वर्णक का मतलब क्या, वो पिगमेंट्स उपस्थित होते हैं जो इस स्तर के नीचे क्रिस्टल होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको याद रखना है कि ये जो क्रिस्टल होता है इसके मध्य के अंतर को बदलने से क्या होता है कि इस क्रिस्टल पर जो लाइट पड़ती है, ठीक है, क्रिस्टल पर जो लाइट पड़ती है उसकी वेवलेंथ है जो वो बदल जाती है। और वेवलेंथ जब बदल जाती है तो क्या होता है कि स्किन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जो आपके मैमल्स होते हैं, स्तनधारी वर्ग के प्राणी होते हैं, वो कहाँ कहाँ होते हैं? ध्रुवीय ठंडे भाग में, रेगिस्तान में, रेगिस्तानी जंगलों में, ठीक है, घास के मैदानों में, और आपका अंधेरी गुफाओं में, इन सब ऐसे वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये सही है। और इनकी जो त्वचा है उस पर रोम पाए जाते हैं तथा बाह कर्ण पल्लव पाए जाते हैं, मतलब कि इनमें क्या है कि फॉलिकल्स होते हैं। और दूसरा, आउटर ईयर ड्रम, मतलब कान है जो वो बाहर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। मैमल्स के बारे में आप किसी को भी देख लीजिएगा, भैंस वगैरह को, ठीक है, तो ये ऐसा ही होता है, सही है। अच्छा, एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनका हृदय तीन कोष्ठीय नहीं होता, वो होता है फोर चैम्बर्स होते हैं उसमें, ठीक है, फोर चैम्बर्स होते हैं। तथा श्वसन की जो क्रिया है वो पेशीय डायफ्राम, डायफ्राम से मस्कुलर डायफ्राम जो होता है उसके थ्रू होती है। तो ये बात सही है, लेकिन ये जो यहाँ पे चैम्बर्स की बात कही गई है वो तीन ना होकर के चार होते हैं मैमल्स में, ठीक। तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला दूसरा सही है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मछली है? रजत मीनाब मछली है, नहीं है,
ठीक है, जेलीफिश भी नहीं है मछली, और आपके कैटल फिश भी मछली नहीं है, ये सभी क्या है, ये सब जंतु हैं, जंतु। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी। निम्नलिखित में से किस संवर्गों के जंतुओं का हृदय द्विकोष्ठीय होता है? ठीक है, तो डबल चैम्बर किसमें होते हैं, आपके मत्स्य वर्ग में मतलब फिश क्लास में होते हैं, सरीसृप वर्ग में होते हैं, रेप्टाइल्स में होते हैं, या फिर एम्फीबियंस में होते हैं, उभयचरों में होते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य वर्ग, मतलब ओनली वन। ठीक है, जो ये सरीसृप वर्ग है और ये जो उभयचर है इनमें जो है वो थ्री चैम्बर्स होते हैं, थ्री चैम्बर्स। ठीक, तो पहला वाला यहाँ सही है, बाकी दोनों गलत है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समतापी है? तो डॉल्फिन और व्हेल समतापी है, शार्क असमतापी है। ठीक है, समतापी होते कौन से हैं, वे जंतु होते हैं जो बाहर का जो टेम्परेचर है उसको जब वो चेंज होता है तो उसके बदलने के हिसाब से अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी वो एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो शार्क नहीं कर पाता ऐसा, डॉल्फिन और व्हेल कर लेते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए केचुए के बारे में स्टेटमेंट है, केचुए में गति शरीर की पेशियों को बारी बारी से विस्तार और संकुचन करता है ना, जब केचुए को चलते हुए देखा होगा आपने तो पहले से कुड़ता है फिर इसी तरह हिसाब से चलता है वो। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है, और केचुए मिट्टी को क्या करते हैं, उपजाऊ बनाने में कारगर होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केचुए का जो मेरुदंड लंबा और शरीर का पेशियां क्षीण और असंख्य होती हैं, ये वाला गलत है, क्योंकि उसमें हड्डी और मेरुदंड दोनों ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, ये आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, सही है, और ईस्ट का प्रयोग वाइन और बियर बनाने में होता है, ये पार्ट बी इसका बिल्कुल सही है। ठीक, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन किसमें परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम है जो वो प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है? मछली में तो रहता है, स्पंज और हाइड्रा में नहीं रहता है। ये क्या है बेसिकली, ये वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, और वही इनके बॉडी में क्या है इंसर्ट करता है, और वही इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ओनली वन, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? सर्प अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नाइट्रिक अम्ल नहीं यूरिक अम्ल, ठीक है, यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, ये वाला गलत हो जाएगा, यूरिक एसिड होना चाहिए। ठीक है, मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाते हैं, ये वाला पार्ट सही है, तो बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फुफ्फुस धमनी है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाते हैं, मतलब पल्मोनरी आर्टरी जो है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कैरी करती है और कहाँ ले जाती है, हार्ट से लंग्स में। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा देखिए, पल्मोनरी वेन है जो वो क्या करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है, याद रखिएगा, आर्टरी है जो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और वेन है जो वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को लंग्स में ले जाती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोनेरा जगत के लिए सही है? ठीक है, पांच तरह की किंगडम्स होती हैं, ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं उनके नाम आपको बताने हैं कमेंट्स में। ठीक है, अब देखिए, जीवाणु नील हरित शैवाल इस जगत से के जीवों के कुछ उदाहरण है, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी है जो वो, और इसका मोनेरा का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आपका गोल्जी बॉडीज हो गई और वैक्यूल्स हो गए, ठीक है, ये उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि मोनेरा जगत के जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी और आपका जो वैक्यूल्स है, रिक्तता है, रिक्तिका है जो, वो उपस्थित नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं ये। ठीक है, ये अनुपस्थित होते हैं, यही याद रखने वाली पार्ट है इसमें। ठीक, तो दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पर सही है, आंसर ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही सुमेलित लेते हैं? देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन स्थल है, बिल्कुल सही है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग साइट है। ठीक है, और आपका जो लाइसोसोम है वो कोशिका की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। ठीक है, लाइसोसोम, ठीक, सुसाइडल बैग भी कहते हैं इसको। और गोल्जी बॉडी है जो वो पुटिकाओं में उत्पादों का भंडारण सुधार, मतलब स्टोरेज इंप्रूवमेंट है जो प्रोडक्ट्स का, वो वैक्यूल्स में करती है। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेड ब्लड सेल्स के लिए सही है? ठीक है, तो एक तो इसमें क्या है कि केंद्रक विहीन होते हैं, विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, तो सही है। दूसरा इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से रेड कलर होता है, खून का जो रंग है वो लाल होता है। ठीक, ये पार्ट भी सही है। और इसका जो जीवन है वो 10 से 13 दिनों का होता है, ये वाला पार्ट इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आरबीसी का जो जीवन काल है वो होता है आपका 120 दिनों का। ठीक है, और जबकि 10 से 12 जो लिखा रहता है वो होता है डब्ल्यूबीसी का। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 1 एंड 2, ए।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए इंसुलिन के बारे में सत्य है, ठीक। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं, मतलब ये सिक्रीट करती हैं बीटा हार्मोन इंसुलिन को, कौन? बीटा सेल्स, बिल्कुल सही है। और दूसरा पार्ट है इसी का कि इंसुलिन एक प्रोटीन चेन होती है या फिर पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं इसको, तो ये बात भी सही है, ठीक। दूसरा देखिए, इंसुलिन का जो मेन फंक्शन है वो होता है कि एक्सेस शुगर को ग्लूकोज में, ग्लूकोजन में कन्वर्ट कर देना, ठीक। तो ये दोनों ही पार्ट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, ठीक है। तो देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स तो आपकी इन्फेक्शन को फाइट करती है, जब से कोरोना हुआ है सबको पता चल गई है बात, ठीक, तो सही है। उसके बाद रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन का परिवहन और प्लाज्मा आपका विलयित पदार्थों का वाहन, यानी कि इट कैरीज द डिजॉल्व्ड सब्सटेंस, ठीक। तो दोनों ही इंटरचेंज है, आंसर हो जाएगा ओनली वन ए। अगला देखिए, मैच करना है आपको, ठीक है। ये कुछ उनकी इकाइयां दी हैं और ये उनकी फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। अब देखिए कोणीय संवेग मतलब एंगुलर मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। उसके बाद प्रतिबल यानी स्ट्रेस है जो वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और कार्य आपका न्यूटन मीटर, तनाव आपका न्यूटन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ए डी सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जीएम काउंटर है जो ग्रीगर मूलर काउंटर है, इसका यूज क्या होता है कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस को मेजर करता है, आयनिक विकरणों को मेजर करता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा कि ये जो रेडियो एक्टिविटी है सब्सटेंस की, जो रेडियो एक्टिविटी है उसको मेजर करने का काम करता है, किसके द्वारा? बाय डिटेक्टिंग अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड द गामा रेज, ठीक। तो ये तीनों ही, आप दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, आपको सुमेलित बताना है, तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या होंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये सारे ही वेक्टर के एग्जांपल्स हैं। और वेक्टर में जो लिखे हैं डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और टेम्परेचर, ये सारे ही आपके स्केलर के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। दोनों ही आपको इंटरचेंज किए गए हैं। अच्छा, इनमें क्या है कि कई बार ग्रुप में लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर कैसे याद रखें, तो देखिए इसका सबसे सही तरीका यही है कि इनको जो फेमस फेमस है इनको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है इसकी कि स्केलर में क्या होता है कि सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और वेक्टर में क्या होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन पता होनी चाहिए दोनों की, ठीक है। लेकिन ये कई बार क्या है कि आप अंदाज नहीं लगा पाते इस तरह से, ठीक है। तो जो फेमस है उनको आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक। तो दोनों को याद कर लीजिएगा, आंसर है यहाँ पर आपके डी, नाइदर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? अल्टीमीटर हो गया आपका ध्वनि की तीव्रता मापने हेतु यंत्र, गलत है, ये ओडोमीटर होता है, ऑडियोमीटर है ना, और ये अल्टीमीटर होता है विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र, ठीक, दोनों इंटरचेंज है। और एक्टिनोमीटर है जो वो सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है, ये वाला पार्ट सही हो जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के द्वितीय नियम के लिए सत्य है? गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं, ठीक, ये वाला पार्ट बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, बंदूक से जब गोली छोड़ी जाती है तो गोली चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लगता है, ये वाला पार्ट है जो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपका तीसरे नियम का एग्जाम्पल है, ठीक है, न्यूटन का जो थर्ड नियम है, थर्ड लॉ है, उसका एग्जाम्पल है, आंसर हो जाएगा ओनली वन ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकत्व मतलब कि कैपिलरीज के लिए सही है? लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल का ऊपर चढ़ना आपका कैपिलरी का एग्जांपल है, बिल्कुल सही है। और दूसरा देखिए, पौधों में जल का जो जड़ से अन्य भागों में पहुंचना है, ये भी कैपिलरी ट्यूब का एग्जाम्पल है, तो दोनों ही यहाँ पर सही एग्जाम्पल है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन पृष्ठ तनाव से संबंधित सत्य है? देखिए वर्षा की लगभग गोलाकार बूंद, बूंद कैसी होती है? सरफेस गोल होती है ना, तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। कीड़े का पानी की सतह पर चल पाना, ठीक, ये भी सरफेस टेंशन के कारण है, और पानी की सतह पर सुई का तैरना भी सरफेस टेंशन का कारण है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, सभी सही है यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? चालन यानी कि लोहे की छड़ को गर्म करना, बिल्कुल सही है ना, एक छड़ का एक पार्टिकल गर्म होता है तो उसे दूसरा तीसरा चौथा मिलाकर के पूरी छड़ गर्म हो जाती है, तो ये कंडक्शन हो गया, सही है। संवहन यानी कन्वेक्शन है जो वो हवा, मानसून और हवा की प्रक्रिया, ये इसके साथ मैच होगा। और विकिरण मतलब रेडिएशन है जो वो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचाना, ये आपका रेडिएशन का काम हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ही हैं जो क्रॉस मैच्ड हैं, और पहला वाला यहाँ सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पसीना शरीर को ठंडा करता है, बिल्कुल सही है, और इसका जो कारण है वो ये है,
वाष्पीकरण के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है और यही कारण है कि पसीना शरीर को ठंडा करता है। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, थर्मस फ्लास्क है जो, वो एक कैसा है, हीट रेजिस्टेंट उपकरण होता है ना, उसमें क्या हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती। ठीक, क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि दो वॉल्स होते हैं और बीच में क्या होता है, वैक्यूम भरा हुआ होता है। ठीक, तो इसकी वजह से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता। ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, थर्मस फ्लास्क के अतिरिक्त दीवारों पर सिल्वर पॉलिश की जाती है जो विकिरण के द्वारा होने वाले जो ऊष्मा संचरण है, जो आपका हीट का जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, रेडिएशन की वजह से जो होता है उसको वो रोक देता है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो होता है वो तापन के कारण प्रसरण होने के सिद्धांत पर के आधार पर कार्य करता है, मतलब कि एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग। ठीक है, प्रिंसिपल का नाम क्या है इसका, इस कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, एक्सपेंशन ड्यू टू हीटिंग, गर्म करने पर एक्सपेंड करेगा, तो पारा क्या है कि बढ़ जाता है ना, ऊपर उठता है फिर, तो ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा, किसी धातु के तार का ताप बढ़ने पर उसकी लंबाई है जो वो भी बढ़ती है, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। दो या दो से अधिक द्रवों के सामग्री मिश्रण को, मतलब कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा उसमें आपको जब सेपरेट करना होगा दो लिक्विड्स को, तो उसके लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, आसवन विधि यूज करेंगे। ठीक, तो ये सही स्टेटमेंट है। और आसवन विधि में जो आपको याद रखना है वो ये है कि इसके अंतर्गत द्रव घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये बिना विकृत हुए उबलते रहें ताकि। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये ऊनी वस्त्र हमें गर्म इसलिए रखते हैं क्योंकि यह ऊष्मा रोधी होते हैं और इनके रेशों के बीच वायु रहती है। ठीक, और दूसरा देखिए कि गहरे रंग की वस्तुओं की अपेक्षा में हल्के रंग की वस्तुएं जो वो ऊष्मीय विकिरण को ज्यादा अवशोषित करती हैं, कम लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दोनों, ये वाला गलत हो गया, पहला वाला जो है वो सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही समझ लेता है। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय ग्रीष्म ऋतु है, थल समीर के बहने का समय मतलब लैंड ब्रीज जो है वो कब होते हैं, वो दिन में नहीं रात में होते हैं, इंटरचेंज हैं दोनों, और समुद्री समीर है जो वो दिन में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रात लिखा है, दोनों इंटरचेंज है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली वन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, डॉक्टरी थर्मामीटर मेडिकल थर्मामीटर है जो, उसको डिजाइन कैसे किया गया, केवल मानव शरीर के ताप को मापने के लिए। ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, थर्मोमीटर का परिसर है जो वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो रेंज है इसकी वो कितनी होती है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ठीक है, और तीसरा देखिए, आपका जो थर्मोमीटर में पारे का प्रयोग होता है, मरकरी का यूज होता है इसमें, और पारा एक विषक्त पदार्थ होता है। ठीक है, मतलब कि पारा एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। वाष्पीकरण है जो, इवेपोरेशन एक सतही पर घटना है। ठीक है, और ये सतह पर ही संपन्न होती है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, द्रव के कण अपने आसपास से जो ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, वायु ऊष्मा की कुचालक है, इसलिए वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष भर लगभग नियत रखता है। ठीक, सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, केवल स्थलीय भाग विकिरण का परिवर्तन करते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल वर्ड है जो, जब भी ऐसे वर्ड आ जाए तो ये सब एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए कि स्थलीय भाग और जलीय भाग दो विकिरण का परावर्तन करते हैं। ठीक है, दोनों है जो वो विकिरण का परावर्तन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका पहला वाला है जो वो सही हो जाएगा, दूसरा वाला है जो वो गलत हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही समझ लेता है। देखिए, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो, उसमें हीट क्या होती है, एमिट करती है, उत्सर्जित होती है, सही है, और जो एंडोथर्मिक होता है उसमें एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित होती है। ठीक, दोनों ही सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
पेट्रोल का स्वजलन मतलब जो कंबशन टेम्परेचर होता है इसका पेट्रोल का वो क्या डीजल के अपेक्षा में ज़्यादा होता है, ठीक सही है। और दूसरा देखिए जो कंबशन होता है आपका पेट्रोल का जो कंबशन है वो 256 डिग्री सेल्सियस होता है और डीजल का 280 डिग्री सेल्सियस, ये उल्टा लिखा हुआ है ना, पहले जब यहाँ लिख रहे हैं कि अधिक होता है तो ऑब्वियसली ये 280 होगा या 256 होगा, है ना, क्वेश्चन में ही कैच है, तो यहाँ पर ये दोनों गलत हो जाएंगे, पहला वाला सही हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अतिचालकता की खोज मतलब कि सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने की है, कैमरलिंग ओनस ने, कब, 1911 में, बिल्कुल सही है। दूसरा देखें आपका अत्यधिक निम्न ताप पर अतिचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध है जो वो कितना होता है, शून्य होता है, मतलब सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स जो होते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो होता है उनका वो है जीरो होता है, कब, वेरी लो टेम्परेचर पर, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, शून्य होता है ना, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शून्य होता है, इनफाइनाइट होता है ना, वन होता है, टू होता है, ठीक, तो ये इसका आंसर जीरो है, आंसर हो जाता है, हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करने में ताप विद्युत पदार्थों का उपयोग होता है, तो ताप विद्युत नहीं दाब विद्युत पदार्थों का उपयोग होता है, ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग समुद्र की गहराई का पता लगाने में किया जाता है, ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट है जो वो सही स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सामान्य मनुष्य में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग कितना होता है, 20 से 20,000, मतलब जो हमारे सुनने की जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक सही है। आपका डॉल्फिन हो गया, चमगादड़ हो गया, चूहे हो गया, ये अवश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब ये पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया, पहला वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर ए होगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वाहनों के पार्श्व दर्पणों में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, मतलब जो कॉन्वेक्स मिरर है उनका यूज होता है साइड मिरर में, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपको कॉन्वेक्स मिरर का काम क्या होता है, जो बड़ी चीज होती है उसको छोटा छोटा दिखे, तो है ना, किनारे में जैसे लगा हुआ है शीशा तो पीछे के जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं वो इसमें छोटे छोटे दिखते हैं, ठीक, तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, यहाँ पर चिकित्सकों द्वारा आंख कान नाक व गले का परीक्षण करने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग प्रयोग किया जाता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज नहीं होता, उसमें कॉनकेव का यूज होता है, ठीक है, कॉनकेव का, क्योंकि कॉनकेव मिरर में क्या होगा कि छोटी सी चीज को बड़ा देखना होता है, ठीक है, तो जैसे कि दांत वगैरह में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर कॉनकेव मिरर का यूज होता है, डॉक्टर्स वगैरह जो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा वाला गलत है, पहला सही है, आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, देखिए दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक ये है कि जब व्यक्ति वस्तुओं को तभी देख पाता है जब प्रकाश है जो वो व्यक्ति पर पड़े, ठीक है, व्यक्ति की आंखों पर पड़े और वस्तु की तरफ आए, दूसरा है कि प्रकाश है जो वो वस्तु पर पड़े और आंखों की तरफ आए, ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक सही स्टेटमेंट है, और ये तरंगे प्रकाश तरंगे होती है, लाइट वेव्स होती हैं, बिल्कुल सही, और इसमें प्रकाश की भांति क्या क्या होता है, अपवर्तन, परावर्तन और व्युतिकरण, तीनों चीजें, इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, तीनों इसमें गुण पाए जाते हैं, ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज इसमें होती हैं, ये तीनों सही स्टेटमेंट है, डी हो जाएंगे, तीनों फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा, अलग अलग पूछे जाते हैं तीनों फैक्ट, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सोलर सेल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ये स्टेटमेंट है जो ये आपका सही स्टेटमेंट है, और दूसरा सोलर सेल को बनाने में वेनेडियम का इस्तेमाल होता है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि तो वेनेडियम का नहीं सिलिकॉन का उपयोग होता है ना, सिलिकॉन का, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही समय लेता है, देखिए वुल्फगांग डोब्रायनर है जो वो ट्रिक, ये बिल्कुल सही समय लेता है, बेसिकली डोब्रायनर ट्रेड्स क्या है, ये इन्होंने क्या किया था कि तीन तीन तत्वों के कुछ समूह की पहचान की थी इन्होंने, ठीक है, जिसको जब आप अवरोही क्रम में लगाएंगे तो बीच वाला जो है आपका तत्व उसका जो एटॉमिक मास होगा वो पहले वाले के और तीसरे वाले के सम के बराबर होगा, मतलब 1+3=2, ठीक है, तो ये था इनका, तो ये सही है। दूसरा जो मोजले की पीरियोडिक टेबल है वो अभी आधुनिक वाली है, ठीक है, और जो मेंडलीव वाली है वो प्रारंभिक विकास हुआ था, स्टार्टिंग में हुआ था, ठीक, तो ये दोनों क्रॉस मैच्ड हैं और पहला वाला यहाँ पर सही है, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, शुष्क बुझा हुआ चूना
पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण मिलता है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर कैसे मिलता है आपको ड्राई स्लेक्ड लाइम पर जब क्लोरीन का एक्शन होता है, ठीक सही है। और दूसरा कि इसे क्लोरीनिक आपका जो क्लोरीनेटेड लाइम है जो इसके नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, तो ये भी सही है। और तीसरा देखिए कि विरंजक का उपयोग मतलब कि जो आपका ब्लीचिंग है उसका उपयोग पेयजल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग का यूज़ कैसे करते हैं कि आपका जो पीने वाला पानी है उसमें जो बैक्टीरिया फ्री करने के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आयोडीन टिंचर एक प्रतिरोधी का कार्य करता है, सही है, और इसका निर्माण जल और अल्कोहल के साथ आयोडीन को मिलाने से होता है, ठीक सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, सोडियम बेंजोएट है जो बेंजोइक अम्ल का सोडियम लवण है, ये बिल्कुल सही है, और इसका रासायनिक सूत्र C6H5COH है, ये वाला गलत हो गया क्योंकि सोडियम बेंजोएट का जो होता है वो होता है C6H5COONA, ठीक है, और आपका जो बेंजोइक अम्ल है जो बेंजोइक अम्ल का होता है C6H5COOH, ठीक है, बेंजोइक अम्ल का, ठीक है, तो ये वाला है जो ये गलत हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट का है जो Na होगा उसमें। तीसरा देखिए, इसका उपयोग है जो खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जाता है, ये वाला सही है। तो पहला तीसरा यहाँ सही होगा, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं, सही है, और अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं, ठीक, तो ये वाला भी सही है, ठीक, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सही स्टेटमेंट है। देखिए, टेम्परेरी हार्डनेस के कहाँ मिलती है और परमानेंट हार्डनेस का जो पानी होता है उसमें आपको बताना है कि जो टेम्परेरी हार्डनेस वाला वाटर है उसमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सॉल्ट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट्स हैं, वो मिलते हैं। और परमानेंट हार्डनेस में आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट, इनके सॉल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, तो ये जो है दोनों ही सही है, सी आंसर है, याद रखिएगा दोनों को, फैक्ट्स है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लवण जल जो होता है, सॉल्ट वाटर होता है, वो सोडियम कार्बोनेट का अति उच्च सांद्रता वाला जलीय विलयन होता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का नहीं होता, सोडियम क्लोराइड का होता है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, तो ये गलत हो गया। और इसका उपयोग प्रशीतन और शीतलन प्रणालियों में सड़कों में बर्फ हटाने के लिए किया जाता है, ये वाला सही है, बी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित अम्लों और उनके पदार्थों के नामों को आपको मिलान करना है। तो एसिटिक अम्ल है जो, वो आप किससे मिलाएंगे, वो आप मिलाएंगे सिरका के साथ, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक से, साइट्रिक एसिड नींबू से, और लैक्टिक एसिड दही से, ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, दहन की जो प्रक्रिया है उसमें पदार्थ आपके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश देते हैं, मतलब कि जो कम्बशन प्रोसेस में जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है, सही स्टेटमेंट है। फॉस्फोरस का ज्वलन ताप इतना उच्च होता है कि वह कमरे के ताप पर ही वायु की उपस्थिति में जल उठता है, तो ये वाला इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि उच्च होगा तो कैसे जलेगा, कम होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला सही है, दूसरा गलत है, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कार्बन एक अधातु है जो विभिन्न रूपों से पाई जाती है, ठीक, सही स्टेटमेंट है, और हीरा कार्बन का ऐसा ही एक अवरूप है, ये भी सही है, और ग्रेफाइट जो विद्युत की कुचालक है यह कार्बन का एक अवरूप है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये आपका है जो, ये है जो, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ग्रेफाइट है जो कार्बन का अवरूप तो है लेकिन ये विद्युत का सुचालक है ना कि कुचालक, ठीक है, सुचालक है यहाँ पर, ठीक है, गुड कंडक्टर है इसका विद्युत का, ठीक, तो ये वाला हो जाएगा आपका गलत, पहला और दूसरा है सही, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एनोडाइजेशन अधातुओं पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया होती है, गलत हो जाएगा क्योंकि एनोडाइजेशन है जो वो धातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाने की एक प्रक्रिया होती है ना कि अधातुओं पर, ठीक, तो ये गलत हो गया, ऑक्साइड की यह परत संक्षारण से सुरक्षित रखती है, ठीक है, ये वाला आपका सही स्टेटमेंट है, जो आपका कोरोजन है उससे इसको प्रोटेक्ट करती है, तो एक लेयरिंग कर दी जाती है इसलिए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, पहला गलत दूसरा सही। अगला देखिए, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता मतलब रिएक्टिविटी के अनुसार आपको अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका पोटेशियम, ठीक है, फिर आ जाएगा आपका सोडियम, फिर आ जाएगा आपका कैल्शियम, और फिर आ जाएगा आपका मैग्नीशियम,
ठीक है, तो जब इसको अरेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1324 ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सिल्वर एक चमकीली धातु है और इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है और ये एक तन्य धातु है, ठीक है, डक्टाइल मटेरियल, बिल्कुल सही है। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर की धातुएं काली पड़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सिल्वर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सिल्वर ऑक्साइड का निर्माण नहीं करता, ये क्या कर लेता है, सल्फाइड बनाता है, ठीक है, सल्फाइड बना लेता है, तो जिससे धातुएं काली पड़ जाती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड लिखा है इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ओनली वन। आपको कमेंट्स में बताना है कि डक्टाइल और मेलिएबल, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं जो डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है और गर्म करने पर सुगमता से खिसता है, सही है। लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर मैग्नीशियम की परत चढ़ाई जाती है, तो ये वाला गलत हो गया, क्योंकि उस पर जो है वो मैग्नीशियम की परत नहीं चढ़ाई जाती, लोहा और इस्पात का जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, जस्ता यानी जिंक, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित है, ठीक है, देखिए पारद और मतलब मरकरी और कुछ अन्य धातुएं हैं जो वो अमलगम बनाती हैं, ठीक है, सही है, और जो तांबा और टिन है वो पीतल बनाता है, ये गलत हो गया क्योंकि वो कॉपर कांसा बनाएगा, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली वन ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन भारी द्रव है, सही है, और क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत हो जाता है तथा यह एक विषैली गैस जिसका नाम है फॉस्जीन बना लेता है, ठीक, दोनों स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्लोरीन सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राथमिक कीटाणु शोधक है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए आप कि क्लोरीन प्राकृतिक जल में नैसर्गिक रूप से विद्यमान जैविक पदार्थों से प्रक्रिया कर उत्पादों की एक श्रृंखला बनाता है, ठीक है, ये भी सही है, आंसर सी हो जाएगा इसका, दोनों ही सही हैं, फैक्ट्स हैं दोनों, याद रखिए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गैस वेल्डिंग के द्वारा धातुओं को जोड़ा जाता है, सही है, और दूसरा इसके लिए ईंधन के रूप में मुख्यतः एथिलीन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है, किसका, एसिटिलीन का, ठीक है। तीसरा देखिए, गैस वेल्डिंग में हाइड्रोजन ब्यूटेन प्रोपेन आदि भी प्रयोग किए जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, पहला और तीसरा यहाँ पर सही होगा, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित पॉलीमर को उनके उपयोग के साथ मिलान कीजिए, ठीक है। पॉली प्रोपलीन है जो वो आपके ट्यूब्स बनाने के काम आता है, ठीक, तो ये सही है, इसके ए के साथ मैच हो जाएगा। दूसरा पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका केबल बनाने में काम आएगा, और टेफ्लॉन है जो नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में, और पॉलीएस्टरीन है जो वो रेडियो और टेलीविजन कैबिनेट बनाने में काम आ जाता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, बिल्कुल सही है ना, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अत्यधिक दाब के माध्यम से पहले द्रव अवस्था में तथा फिर बाद में 78 डिग्री सेल्सियस पर या ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और ये भी सही है, और इसका उपयोग है जो खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने में भी किया जाता है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन में भी मतलब इसका यूज होता है, तो तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आग बुझाने पर कर्मचारियों को परिधानों पर मेलामाइन नामक प्लास्टिक की परत चढ़ाई जाती है, मतलब जो क्लॉथिंग्स होती हैं फायर फाइटर्स की जो क्लॉथिंग्स होती हैं वो काहे से कवर की जाती हैं, प्लास्टिक कोटेड होती हैं, और वो प्लास्टिक काहे का होता है, उसको क्या कहते हैं, मेलामाइन, ठीक है, तो सही स्टेटमेंट है। मेलामाइन आग प्रतिरोधक होता है, ठीक है, क्योंकि तभी ये फायर रेजिस्टेंट है, बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि इसकी क्या है कि ग्रेटर एबिलिटी टू टॉलरेट हीट अदर देन द प्लास्टिक, है दूसरी प्लास्टिक से कंपैरिजन में हीट को ज़्यादा टॉलरेट करने की क्षमता होती है, ठीक है, बिल्कुल सही। अगर पहला आपने यहाँ पर सही बता दिया तो बाकी दोनों अपने आप ही लॉजिकली सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पैराबीन्स निजी देखभाल उत्पादों में संरक्षक के रूप में उपयोग किए जाने वाले कार्बनिक यौगिक का एक समूह है, बिल्कुल सही। एक सौंदर्य प्रसाधनों और स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंध उत्पादनों में जीवाणुओं फफूंद और खमीर के विकास को रोकने के लिए संरक्षक के रूप में काम करते हैं, ठीक है,
ये आप फैक्ट है याद रखिएगा पैराबेंस के लिए, ठीक है। तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। सीएनजी प्राकृतिक गैस धरती के भीतर पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण होती है, ठीक है, तो ये सही है। और दूसरा, सीएनजी में 80-90% एथेन गैस होती है, ये वाला आपका गलत हो गया क्योंकि सीएनजी में 80-90% मीथेन गैस होती है, मीथेन, ठीक है। तो ये पहला आंसर सही है, दूसरा गलत। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। प्राकृतिक रबड़ पेड़ से निकलने वाले दूध लेटेक्स से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा, प्राकृतिक रबड़ में लचीलापन बढ़ाने के लिए कार्बन ब्लैंक मिलाया जाता है, ठीक है, तो कार्बन ब्लैक है जो वो नहीं मिलाया जाता, ये वाला गलत हो जाएगा कि रबड़ में लचीलापन के लिए सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। वल्कनाइजेशन भी आपने अगर पढ़ा हो तो वल्कनाइजेशन में भी सल्फर मिलाते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाता है यहाँ पर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑक्टेन संख्या किसी इंजन के ईंधन के निष्पादन का मानक मापदंड होती है, ठीक, सही है। और दूसरा देखिए कि ऑक्टेन संख्या जितनी ज़्यादा होगी, दहन के पहले इंजन का संपीड़न है जो, कंप्रेशन है जो, वो उतना ही अधिक होगा, ठीक, दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ग्रेफीन एक द्वियामी नैनो पदार्थ होता है, ठीक, और कार्बन की पतली सीट के रूप में या एक अणु जितनी मोटी होती है, ठीक, ये भी सही है, ठीक है। और तीसरा, ग्रेफीन से इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स बनाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, सारे ही सही हैं, ग्रेफीन से संबंधित है, याद रखिएगा, आंसर है डी। अगला देखें, निम्नलिखित वस्त्रों और उनकी रासायनिक प्रकृति में से कौन सही सम्मिलित है। रेशम, सेलुलोज, सूती प्रोटीन और नायलॉन पॉलिएस्टर, तीनों ही यहाँ पर गलत है क्योंकि जो आपका रेशम है वो आपका प्रोटीन है, ठीक है, सूती आपका जो है वो सेलुलोज है, और आपका नायलॉन है जो वो आपका पॉलीअमाइड है, ना कि पॉलिएस्टर, ठीक, तो तीनों ही गलत हो गए, डी आंसर इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, आधुनिक वैज्ञानिकों ने कठोरतम पदार्थ की खोज की जिसका नाम है कार्बाइन, जो कि कार्बन परमाणुओं की ही एक श्रृंखला है, बिल्कुल सही। और ये ग्रेफाइट की तुलना में तनाव के प्रति 10 गुना सख्त होती है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इतनी भी सख्त नहीं होती, 2 गुना होती है, ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सोडियम युक्त साबुन कठोर तथा पोटेशियम युक्त साबुन मुलायम होते हैं, बिल्कुल सही है। और साबुन का निर्माण जंतु चर्बी या वनस्पति तेल से किया जाता है, ये भी सही है, सी आंसर। अगला देखें, एलपीजी के प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं। प्रोपेन है, प्रोपिलीन है, ब्यूटेन है और ब्यूटालीन है, ठीक, तीनों ही है, चारों ही है, डी आंसर हो जाएगा। अगला देखें, निम्नलिखित कोयले के प्रकार और उनके प्रतिशत हैं, उनके साथ कौन सही मैच है। तो देखिए, चार तरह के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा है, ये बिटुमिनस, ठीक है, इस टाइप के मिलते हैं। और एंथ्रासाइट है आपका जेएंडके वाले रीजन में मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कार्बन कितना कितना होता है। तो देखिए, एंथ्रासाइट में 99.9% कार्बन, इसलिए सबसे अच्छा माना जाता है। बिटुमिनस में 90% कार्बन, लिग्नाइट में 70% और पीट में 50% कार्बन, ठीक है, सभी सही मैच्ड है, डी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, आपका भाप अंगार गैस है जो, आपका स्टीम एम्बर गैस है जो, वो एक संश्लेषण गैस है और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल सही। बायोगैस व सीएनजी में मीथेन गैस होती है, ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, ठीक, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, एक्रेलिक है जो वो सबसे प्रबल और हल्का पॉलिएस्टर होता है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एक्रेलिक सदृश दिखाई देने वाला एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है, ठीक है, और इसको हम कृत्रिम ऊन भी कहते हैं, मतलब आर्टिफिशियल वूल भी इसको कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक स्रोत में जितने भी ऊन प्राप्त होते हैं उनसे ये सस्ता होता है, ये फैक्ट है इसका, ठीक है, हल्का तो नहीं होता लेकिन सस्ता जरूर होता है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, सही है। और पॉलिथिन और पीवीसी हैं जो वो इसके एग्जांपल्स हैं, ये दोनों सही है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।